वेदर बहुत ही प्यारा है। आए? प्यारा नहीं है, मैं शाम को उठी हूँ। लिटरली गाइस मुझे अपने आप ऐसी आ रही है, मैं 5 बजे उठी हूँ, उठने के साथ कह रही हूँ वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि 5 हो रहे हैं, 5 बजे तो वैसे ही वेदर अच्छा होता है। लकेट हेयर गाइस, यहाँ पे मासी आई है और यहाँ पे सामान की लेन देन हो रही है मासी और मामा की, और साथ ही साथ मैं अपनी कॉफी बना रही हूँ अपने न्यू ग्लास में। और समर्स मुझे इसी वजह से पसंद होते हैं क्योंकि उनमें मैं कोल्ड कॉफी बना सकती हूँ। अभी समर्स आए तो नहीं है, लेकिन समर्स आने वाले, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस मैं कोल्ड कॉफी बनाना अपना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली जब से ये मग आया है ना, तब से मैं अपनी कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। ना आई एम कॉफी लवर, तो मुझे कॉफी ग्लासेस बहुत पसंद होते हैं। जब भी समर्स आते हैं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉफी मग्स, कॉफी ग्लासेस लेती रहती हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं शॉपिंग पे, हमें अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करने हैं कपड़े, और हमने सोचा कि उनकी पसंद के मुताबिक ही कपड़े लेते हैं, और उनके मुताबिक काम वाले कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। नहीं वैसे, और उनका फेवरेट ब्रांड भी जो है जे डॉट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आए हैं एंड आई वांट कि बस यहाँ से सारे कपड़े हमें मिल जाएं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ विद प्राइजेस, वरना आप फिर कहेंगे कि भाई आप प्राइजेस नहीं बताते। अच्छा, और इस वाले सेक्शन में सारे चिकनकारी के सूट पड़े हुए थे और इनकी प्राइस भी मैंने जूम कर दी है। और हमारे रिलेटिव्स को काम वाले कपड़े ज्यादा पसंद है, इस हद तक कि दुपट्टे पे भी काम नजर आना चाहिए, और कलर्स में उनको पेस्टल कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे काम वाले तो पड़े थे, लेकिन वो काम नहीं था जो कि स्पार्कली हो, क्योंकि हम जा रहे हैं उनकी शादी पे, और शादी पे गिफ्ट करने के लिए कुछ अच्छे कपड़े हों, लाइक थोड़े से काम वाले हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं और उनको पसंद भी वही है। तो इस तरह के हमें जे डॉट पे बिल्कुल भी नजर नहीं आए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल सेल भी लगेगी, तो हमने कहा फिर कल आके देख लेंगे, अभी यहाँ पे नजर नहीं आया, तो फिर मार्केट का चक्कर लगाते हैं काम वाले कपड़ों के लिए। मिड ऑफ शॉपिंग हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हनी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसको माइग्रेन हो रहा था, वो गई है, अगर यहाँ से फार्मेसी इसको मिल गई, नीचे होगी मार्ट में होती है ना, तो मिल गई तो अपनी मेडिसिन लेके आएगी, पेन किलर खा लेगी और फिर हम चलेंगे मार्केट की तरफ। फार्मेसी कौन है? फार्मेसी ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो चलें आज आपको हैदराबाद की मार्केट भी मैं विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि हम ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं काम वाले कपड़े देखने के लिए, और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत ज्वेलरी चेक कर रहे थे, और ये देखें ये है कपड़े जो कि बहुत मुझे सही लग रहे थे, जो कि मुझे सही लग रहे थे, मैं वो रिकॉर्ड भी कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। ये सारे 2 पीस और 3 पीसेस थे, और हमें चाहिए भी 2-3 पीसेस ही थे, लाइक पूरे पूरे सूट्स चाहिए थे हमें। तो देखते हैं अभी हमें ये क्या दिखाते हैं, और ये देखें ये फैब्रिक पड़े हुए थे, इससे आप अपनी डिज़ाइनिंग करके मैक्सी वगैरह बना सकते हैं, और जो वाइट कपड़े हैं उस पर आप डाई भी करवा सकते हैं। और ये देखें ये सूट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये शैम्पेन कलर में था और 3 पीस था, तो इसका इनर भी साथ दे रहे थे, और इसका ट्राउज़र, लाइक ये पूरा 4 पीस था जिसमें आता था इनर, शर्ट, ट्राउज़र एंड ये इसका दुपट्टा था। ये पूरा सूट ही जो है ना मुझे बहुत पसंद आया, ये दुपट्टा तो बहुत ही क्लासी लग रहा था, ये इसके कलर्स थे जो आपने मरून देखा, और ये जो अभी ब्लू दिखाएंगे ना ये भी उसका एक कलर ही है, तो एक पर्पल था, एक शैम्पेन था एंड ये एक नेवी ब्लू था। ऐसा ही टोल्ड यू, उनको लाइट कलर्स पसंद है, तो मैं इनसे लाइट कलर्स ही निकलवा रही थी ताकि मैं देखूं अगर जो मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं उनके लिए लूँगी। तो ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये वाला ब्लिंगी था बहुत, तो मैंने कहा इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसने कहा कि मैं आपको जो है इनर लगा के और दुपट्टा साथ रख के दिखाऊंगा। और ये जो आपने वाइट नेट देखी है ये डाई भी होती है, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी ख़राब नहीं होती, वो गोल्डन ही रहती है। एंड लुक इट हियर, इन्होंने पूरा सूट रख के दिखा दिया है दुपट्टे के साथ, ये भी 4 पीस ही था, आई थिंक ये हमें लेना चाहिए, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, कलर भी लाइट है और काम भी इसका किया हुआ है, लाइक दुपट्टे पे भी और शर्ट पे भी। एंड लुक एट दिस, ये जो फैब्रिक्स है इसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं काफ़ी वेरियस तरीक़ों से,
बहुत ज़्यादा वीडियोस है यूट्यूब पे, आप डिज़ाइनिंग की वीडियोस देख के अपना फैब्रिक लेके एक अच्छा सा लॉन्ग शर्ट्स, मैक्सी या कोई भी गाउन वगैरह बनवा सकते हैं। तो डिज़ाइनर्स भी यही करते हैं, उनका दिमाग चलता है और हमने भी अपना दिमाग चलाना होता है। तो ये वाला फैब्रिक मैंने निकलवा दिया था और ये मुझे बहुत क्यूट लगा। अगर इसका हम गाउन बनवाए या फिर एक काफ्तान स्टाइल बनवाए तो बहुत ही एक एलिगेंट सा क्लासी लुक देगा। और इसमें जो है मैंने ब्लैक भी दिखाया, तो ब्लैक में ये बहुत अच्छा लगेगा। असल में एक दफ़ा मैंने ना इस ब्लैक से साड़ी भी बनवाई थी, तो वो बहुत क्यूट लगती है। और ये वाइट, तो ओह माय गॉड, ये वाइट मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसको निकलवाया और मैंने कहा ये मुझे रख के दिखाए कि ये इनर के साथ कैसा लुक दे रहा है। तो अगर आप इसको ईद वगैरह पे या फिर आप शादियों वगैरह पे, वलीमा पे बनवाएं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इनकी प्राइजेस क्या हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकी प्राइजेज याद नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप लतीफ़ाबाद नंबर 8 में जाके, उसकी मार्केट अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पे जाके इनसे प्राइजेज वगैरह पूछ सकते हैं अगर आपको वाकई में लेने हैं। लेकिन ये सारे जो थे ना, ये आपको 5000 तक मिल जाएंगे, लेकिन जितना आप कपड़ा लेंगे उतने ज़्यादा प्राइजेज आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, और फिर फैब्रिक की मार्केट से हम बाहर ही आते हैं तो यहाँ पे लेस वाला भी बैठा होता है, लाइक सब कुछ साथ साथ होता है। और यहाँ पे मैंने देखी थी बहुत क्यूट डोरियाँ पड़ी हुई थी। अगर आप अपनी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो चाकू पे भी डोरियाँ लगती है, बैग पे भी लगती हैं, तो काफ़ी काम वाली एक अच्छी क्वालिटी की डोरियाँ पड़ी हुई थी। और प्राइजेस भी बहुत ही नॉर्मल होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर्स। और फिर हम आ गए हैं अपने ड्रेसेस की पैकिंग करवाने। पहले मैंने सोचा था मैं घर जाके आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, क्योंकि आप नाराज़ होते हैं कि आप हमें अपनी शॉपिंग नहीं दिखाती, तो मैं घर जाने से पहले ही पैकिंग करवा ली थी। तो देखिए ये सारे मसले होते हैं ना, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, मैं दिखा नहीं पाती आपको शॉपिंग। तो मैंने सोचा कि मैं पैकिंग के दौरान ही रिकॉर्ड कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए। और ये ग्रीन तो आपको याद ही होगा, मुझे पसंद भी आया था तो मैंने बस ये परचेज कर लिया। यही है, इसके अलावा नहीं है भाई। गोल्डन हो ना, ग्रीन लगवा लो, ग्रीन नहीं अच्छा लगेगा। गोल्डन नहीं है, नहीं गोल्डन नहीं होता इसमें, ग्रीन सही लगेगा देखो गोल्डन के साथ। वैसे भाई तो मुझे बहुत अजीब चॉइस दिखा रहा था, कह रहा था डार्क ग्रीन इस पे लगा दे, पर्पल लगा दे, वो बहुत ही अजीब लग रहे थे। तो फिर मैंने एक डिसेंट सा लाइक ग्रे और ब्लू टाइप कलर लिया। मैंने कहा सारे पैकेट को यही कलर आपने लगाना है, सेम पैकिंग करनी है। और दूसरा जो सूट लिया है वो ये लिया है, ये भी शैम्पेन कलर, मुझे बहुत पसंद आया था। इसका दुपट्टा, इसकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जी ये आता है सूट जो कि बिल्कुल बेबी पिंक में था, और इसके ऊपर जो है पर्ल वाइट कलर का काम किया हुआ था, मुझे ये भी बहुत पसंद आया। तो बस ये तीनों सूट हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने लिए हैं। और फिर उसके बाद हम टेलर के पास आए हैं। असल में मेरा टेलर जो है वो काम भी करता है, तो मैंने सोचा मैं उनका काम जो है आपको दिखा दूँ, लाइक कढ़ाई वगैरह कर लेता है। और हम बाहर आए तो हमें जो है ये खुशो की शॉप नज़र आई, जो कि बहुत प्यारे थे। इसमें ये देखिए, ये पिंक वाला था, उसके बाद जो है ये सिल्वर वाला था, ब्लैक, शैम्पेन कलर, सब इसमें वैरायटी पड़ी हुई थी। बस हम घर ही जा रहे थे तो हमारी नज़र इस शर्ट पे पड़ी, और ये शर्ट जो है 1200 की दे रहे थे, लेकिन ये बहुत ही सी थ्रू थी। तो सी थ्रू इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल नहीं पहना जाता। एक नेट होती है ना बिल्कुल पतली सी, तो इज़ अ बिग नो। एंड यहाँ पे हम आ गए थे थोड़ा सा खाने के लिए, ऑब्वियसली इतनी शॉपिंग की थी तो भूख तो लगी थी। और हमें जो है नया इनका बटर चिकन भी फ्लेवर ट्राई करना था ब्रॉडवे का, और ऑनेस्टली यहाँ पर इन्होंने ऊपर से कोरिएंडर डाल के दिया था पिज़्ज़ा के ऊपर, और ट्रस्ट मी इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मैंने इसकी एड में समझा था देख के। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो तो टेम्पटिंग होती ही है, लेकिन बहुत ही फीका फीका सा था। मुझे लगा कि मैं अभी ठीक हुई हूँ, मे बी मेरा मुंह का टेस्ट ऐसा हो, लेकिन हनी ने कहा नहीं ये वाकई फीका है बहुत। एंड वी आर बैक टू होम, देखते ही ना बेड को आराम आता है। अच्छा, मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे एंड, मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।